बिस्मिल्लाहिर्रहमान वाहिम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अ न्यू डे स्टार्ट नाउ एंड माय बेबी इज गोइंग टू स्कूल। अच्छा जी, अभी रिसेंटली ना हम नानोगढ़ से आए थे, तो इसको मैंने कहा आप एक घंटा के लिए रेस्ट करो, तो मैं आपका फेवरेट सा फूड आपके लंच बॉक्स में के लिए बनाती हूँ ना, तो इसको मैंने सुला दिया, तो ये सो गई। तो मैं टेरेस पे आ गई, अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट कराया, तो देन मैंने सोचा कि जल्दी से उरानम के नगीस कुक कर लेते हैं। नगीस बनाने में कौन सा टाइम लगता है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वेरिएशन कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास बीफ था वो बहुत थोड़ा कम था, तो मैंने सोचा चलो कुछ करते हैं। तो कुछ वेजिटेबल्स इसमें ऐड करके ना इसको मैंने मिक्स किया है जी, ये देखें जी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया, और इसकी मैंने सोचा जल्दी जल्दी कोई शेप दे देती हूँ, क्योंकि नगीस की शेप को जरा परफेक्ट बनने हो तो बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा चलो जी जल्दी जल्दी से ना मैं हैंड से ही इसको मैश करती हूँ, और हैंड से ही अच्छे से ना इसकी कोई शेप दे लेती हूँ। और ये है कि मुंतहा भी आके सो गई ना, उसको भी नींद आई हुई थी, वैसे उसको मैं उठाए उठाए ले आई थी, उसको पता नहीं था कि हम अपने हाउस जा रहे हैं, तो ये भी मतलब रिलैक्स हो गई ना। चले जी, मैंने सोचा ये जल्दी से गोलू गोलू से शेप दे देते हैं, मैं गोल मोल सी चीज़ ये कुछ भी बना दिया, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि जल्दी में मैंने ये क्या बनाया, लेकिन यह गई सही जल्दी में कभी कभी ना चलता है, जो मर्जी बना दो जी चलता है। अच्छा जी, ये देखें जी, इसको क्रम्बर मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, तो इसको क्रम्स कर लिया, क्रम्स लगा लिया सिंपल, हम इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा ये है कि आज मेरे लंच में मैंने कुछ नहीं बनाना, आज मेरी छुट्टी है, क्योंकि माँ जी के घर थे, मुझे मिला था सालन, माँ जी कह रहे थे सालन आप थोड़ा ले जाओ, तो मैंने सोचा चलो जी आज ना रिलैक्स होते हैं, इसको लंच करते हैं। मुंतहा के लिए भी 3-4 मैंने ना इससे रख लिए थे, उसने वो खा लिए, तो मैं फिर ना सो गई। आज ना लंच के टाइम मैंने खूब रेस्ट किया 1 घंटा ना, तो बहुत सुकून और बहुत मजा आया ना, क्योंकि रात को भी थोड़ा जागे हुए थे तो इस वजह से, लेकिन यह है कि बहुत मतलब हो गया, काम ही सी हो गया। अच्छा जी, ये देखें जी, इसके नगेट्स जो हैं वो तकरीबन 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 रेडी हो गए हैं, इसकी थोड़ी सी साइज चेंज कर लेते हैं। अच्छा, फ्लेम ना पहले फुल था, फुल फ्लेम में मैंने इसको फिर मैंने स्लो कर दिया कि ये अंदर तक ना अच्छे से कुक हो जाए। अब लीड भी कवर कर सकते हैं, इसको लीड कवर करके भी बहुत मतलब इजी हो जाता है। ये देखें जी, ये सारे के सारे जो नगीस हैं रेडी हो गए, थोड़े से ओवर कुक हो गए हैं, अब पता नहीं चला कैसे, मुझे जो थोड़े थोड़े लग रहा था कि ओवर ओवर कुक हो गए, लेकिन यह कि इस रेडी इस परफेक्ट। ओके जी, ये तैयार कर लिया जी, इसके बाद ना हम मैं सो गई काफ़ी देर तक, 1 घंटा मैं सोई थी आज, फिर 1 घंटा सोने के बाद भी 9 o'clock ही हुए थे अभी ना, फिर टेरेस पे आ गए। टेरेस पे आके तो मैंने सोचा चलो जी कोई अपना डिफरेंट सा पराठा बनाते हैं और फिर उसका ब्रेकफास्ट करते हैं। अच्छा, आज बहुत सारे काम, क्योंकि हमारा ये होता है कि हाउस वाइफ के ना क्लोथ ही नहीं ख़त्म होते, कपड़ों का ही काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, कपड़े तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते ना मतलब। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हुरैनम आएगी ना, उसका यूनिफॉर्म भी हो जाता है, तो जी फिर हम कर लेते हैं जी। हुरैनम इज पैक टू स्कूल, उसको मैं ले आई थी, मुत्ता कह रही थी मम्मा मुझे उठा के जाओ, तो ये आ गई हुई थी नीचे, तो मुझे टेंशन थी, तो मैंने भाई उसको रोने ही दिया, तो उसका ड्रेस भी निकल आया था, उसको मैंने निकाल दिया हुआ था। देन शी कुक वो आ गई। अच्छा, उसको फिर थोड़ा पंप अप किया, चेंज करवाया, पैम्पर किया थोड़ा उसको, हुरैनम को थोड़ा समझाया, कुछ बातें की उसके साथ, उसे पूछा स्कूल में आपने क्या किया था क्या नहीं, तो साथ ही साथ था मैंने आज सोचा कि हम ना लंच में तो हो गया काम, मतलब बहुत रिलैक्सेशन थी, एक दिन लंच ना बनाओ तो बहुत रिलैक्सेशन होती है। देन फिर मैंने सोचा कि चलें जी अब ना हम बना लेते हैं वेजिटेबल राइस, तो मैंने जल्दी से ना वेजिटेबल राइस कुक कर लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे आसान कुकिंग ये वेजिटेबल राइस है, क्योंकि सिर्फ 15-20 मिनट में बनते हैं और जल्दी से कुक हो जाते हैं, और फिर चपातियाँ भी नहीं बनानी पड़ती और रेडी और यम्मी भी होती। ओके जी, बच्चे कह रहे थे मामा मैंने आइसक्रीम खानी है, तो मैंने उनको ना थोड़ा सा सेटअप किया, तो ये पापा के साथ आइसक्रीम खाने चले गए। आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।